हेलो गाइस, जैसा कि मॉर्निंग के सुबह में 5 बजे निकल चुके हैं बिहार टू दिल्ली। अब देखते हैं कितना समय लगता है वहाँ पहुँचने में। आपको बताते हैं आगे आगे क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे जा रहे हैं। चलिए गाइस, अभी किलोमीटर हमारा 2,32,272 किलोमीटर। देखते हैं दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है हमें और कितना किलोमीटर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देखिए हम एक क्या है, नदी है, घाट है, गंगा नदी है। ये गंगा नदी आ चुका है हाजीपुर का। मॉर्निंग टाइम में निकले थे आपको, जैसे कि पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था, हम हाजीपुर के गंगा नदी में गए थे स्नान करने। ये देखिए आप, एक बात बताओ, नदी में किसकी जमीन है? 4.8 किलोमीटर। नदी में तो किसी की जमीन नहीं होती, खेती कैसे कर रहे नदी में? अब क्यों करेगा, सरकारी जमीन है तो। अब देखो कैसे गड्ढा, ये जब नदी आता ना इसमें डूब मरता है, नाव टकरा आता है, ऐसे गड्ढा कर रखा है लोगों ने, रेत निकाला, रेत चोरी किया होगा, रेत थला से चोरी। बात ना उधर तेरे सब कुछ ना, एक एक बार और नहा लो। ये देखिए गाइस, आपको दूर तक नजर जा रही होगी, हमारी टकली भी आ रही है इसमें। चोरी करता है गाड़ी तो। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है नदी। देखिए इधर पानी की धार कितनी तेज है, अगर आपको दिख रही हो तो। इधर हेलो दोस्तों, जैसा कि हम गोपालगंज पहुंच चुके हैं, गोपालगंज में इन लोगों को लग गई है भूख, तो मैं इन लोगों को खिला रहा हूँ एक लिट्टी और चोखा। ये देखो भुकड़ लोग कैसे बैठे यहाँ पे आस में। और ये रहा हमारा ढाबा जो कि बहुत साफ सुथरा है। ये देखिए, यह है गाजर और यह है प्याज, अभी हमारा ढाबा। ये नंदू के लिए दाल चावल। ये देखो गाइस, जैसा कि पूरी सब्जी मिल चुका है, अब लोग तोड़ के खाए जा रहे हैं भुक्कड़ों की तरह। ये देखो, ये टकली हमारी, खा लेता हूँ नहीं होगा। तू कुछ एक एक दोस्तों, अब हमने नाश्ता कर लिया यहाँ से, अब निकल रहे हैं गोपालगंज से हाईवे पर सीधा। अब हम आपको सीधा मिलेंगे लखनऊ में। उसको बोल दो कल परसों आएंगे। ये देखो गाइस, हाईवे पे एक नया चीज़ देखने के लिए मिला है, ये ट्रक उल्टा चल रहा है।
शायद इसको क्रेन खींच रही है। मैं देख के इसको बहुत घबरा गया था अभी, ये देखिए, बट इसको क्रेन खींच रही है। हमने सोचा कि उल्टा बैक कर रहा है बंदा, ये भी कोई हैवी ड्राइवर है ऐसा लगा मुझे। मैं बहुत तेज घबरा गया अभी, ये क्या हो गया। देखो दोस्तों, हम टोल बचाते हुए आए अभी उधर से, वो टोल है वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो, तांगे वाले, और हमें टोल बचाते हुए आ रहे हैं। और इधर एक गाड़ी वाले भी है और आ रहे हैं तांगे के पीछे, जो कि अभी टोल बचा रहे हैं। कच्चा ईंट, और यहाँ पे ईंट की खदान है जहाँ से ईंट बनते हैं। देखो ये भी टोल बचा के ही आ रहा है। ये देखो यहाँ पे फ्री में ईंट मिल चुका है लोगों को घर में रहने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कच्चे पक्के रास्ते से जा रहे हैं हम टोल बचाने के चक्कर में, और ये सारे साइड हमारे गेहूं गेहूं लग रहा है। ये देखिए, आपको जहाँ तक नजर आ रहा होगा गेहूं ही गेहूं है। अरे सरयू नदी। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं उद्दा में एंटर कर चुके हैं, और ये सरयू नदी के हम पार कर रहे हैं। आपको सरयू नदी दिखा रहे हैं पूरा पूरा हम। सरयू नदी दिखा लोगों को। ये देखिए, जहाँ तक दूर तक आपकी आंखें जा सकती हो, सरयू नदी है, और हमारा कैमरा आपका साथ देगा, आपकी आंखों का साथ देगा सरयू नदी देखने में। फिलहाल अभी इससे पानी कम है थोड़ा सा, लोगों ने खेती लगा रखी है, पर हम जैसे नदी के और पार जाएंगे तो और नदियां दिखेंगी आपको। और थोड़ा गाड़ी तेज होने के कारण शायद आप नहीं देख पाएंगे, थोड़ा गाड़ी को ड्राइवर से बोल लेंगे कि भैया थोड़ी गाड़ी स्लो करे, ठीक है। तो हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी स्लो कर दिया है। और ये आप देखिए सरयू नदी, यहीं से दर्शन करिए, बोलिए सरयू माता की जय। और हम एक तरह से अयोध्या धाम में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है जो कि बाबा के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सरयू नदी है, हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो एक बार, बोलो सरयू माता की जय। और ये बहुत नदी है, बहुत बड़ी नदी है। आने वाले टाइम में ये जैसे बरसात के टाइम में पूरा भरा होता है, जैसे लग रहा है समुंदर में तूफान मार रहा हो। और अभी भी पानी इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक बार गिर गए तो आपको निकलना नामुमकिन है, सीधा सरयू लोक की यात्रा कर पाएंगे आप। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, सुबह में 5 बजे निकले थे और अभी फिर से 5 बज चुके हैं, मतलब 12 घंटे में हम लखनऊ आ गए। और ये आपको लखनऊ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसा है। उधर मिसाइल, ये दिखा, ये दिखा इधर। सीधा चल, सीधा इसमें 135 किलोमीटर आ रहा ना, वहाँ 94 किलोमीटर आ रहा था। सीधे चलेगा ठीक है इसमें।